Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. The guys, again, I'm back with another amazing video. Raj ki jo hamari video hai, how India looks during Diwali night. Diwali wali raat jo hai, wo India kis tarah se jo hai, wo saja hua hota hai, dulhan ki tarah. Bahut pyari pyari jo hai, main aksar videos wagaira dekhti hoon. दिवाली के ऊपर लड़कियां भी बड़ी प्यारी सी तैयार होती हैं, लड़के भी वो कुर्ता वगैरह पहनते हैं और उसके बाद पूरे इंडिया को एक दुल्हन की तरह से जो है वो सजा दिया जाता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस दफा जो है वो दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। मैं जो है वो दिवाली के बाद भी वीडियो लेकर आऊंगी जरूर आप लोगों के लिए कि किस तरह से कौन कौन सी कंट्री ने जो है वो दिवाली को सेलिब्रेट किया 2024 के अंदर। और अभी देखते हैं कि इंडिया किस तरह से जो है वो दिवाली पे लग रहा है। इंडिया में बड़ी यार सजावटें हो चुकी क्या, लोग अपने घरों के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो डेकोरेशंस वगैरह कर रहे हैं। तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन एक ये है कि आप लोग दिवाली अपने जो है वो रिलेटिव्स के घर मनाते हैं या अपने घर मनाते हैं? आप अपनी मामा वाली साइड के रिलेटिव्स की तरफ जाते हैं दिवाली मनाने या पापा वाली साइड पे जो है वो जाते हैं दिवाली मनाने? आप लोग ननियाल और ददियाल बोलते हैं ना, तो आप लोग जो है वो किस तरफ जो है वो जाना ज्यादा? अब जाहिर बात है ऑब्वियसली मामा तो बोलेंगे कि मामा वाली साइड पे जाए, पापा बोले पापा साइड पर जाए। आप लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, मामा वाली साइड के रिलेटिव्स की तरफ दिवाली मनाना पसंद करते हैं या पापा वाली साइड के रिलेटिव्स की तरफ दिवाली मनाना पसंद करते हैं? तो ये जरूर बताइएगा। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस, और आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को। 10 दोस्तों, अब दिवाली के मौके पे 10 दोस्त इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 ही है, तो 10 दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एज ए दिवाली गिफ्ट गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दीपों के त्योहार दीपावली की, जो सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि वो समय है जब हमारा भारत जगमगा उठता है, ना सिर्फ दियो और रोशनी से बल्कि तरक्की और विकास की चमक से भी। श्योर, ये इंडिया है। हाँ, फायरवर्क तो बहुत होता है, मुझे पता है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे भारत की झलक जो हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खूबसूरत देश कैसे दीपावली की रात में सितारों की तरह चमक रहा है, जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। दीपावली की जगमगाहट में देखिए कैसे हर कोना नई उम्मीदों से रोशन हो रहा है और भारत हर गली हर मोहल्ला रोशनी से नहाता रहता है। यार, न्यूयॉर्क सिटी लग रही है, वो जो टाइम्स स्क्वायर वाला नहीं, वो लग रहा है। भारत का हर कोना, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, दीपावली की जगमगाहट हर जगह छा जाती है। चार मीनार की भव्यता से लेकर बनारस के घंटों की पवित्रता तक हर जगह रोशनी की लहर से जगमगा उठते हैं। भारत की तरक्की सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, आज भारत के गांव भी रोशनी से जगमगा रहे हैं। सोलर पावर से बिजली पाकर गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दीपावली की ये रोशनी सिर्फ हमारे घरों को ही नहीं बल्कि हमारे सपनों को भी रोशन करती है। ये वो वक्त है जब हम अपने देश की तरक्की पर गर्व महसूस करते हैं। पूरा शहर जो है लाइट हो गया भाई। तो ये है हमारा उभरता हुआ भारत जो हर दीपावली के साथ और ज्यादा चमकदार हो रहा है। It looks so amazing. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर यार लाइक सब्सक्राइब करना। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार दिवाली, मैं ना कमेंट पढ़ रही थी लोगों के, तो लोगों ने मुझे बोला कि दिवाली सिर्फ खास नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा जो है वो खास इवेंट होता है इंडिया के अंदर, और ये उनका फेस्टिवल है जहाँ जब जो है वो अच्छाई जो है वो बुराई के ऊपर हावी हुई थी, अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई हारी थी। और आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जितने भी है ना, वो दिवाली उनकी पार्टीज होना जो है ना, आई थिंक सो 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर जितने भी लोग लाइक हिंदू हैं, और अभी तो फॉरनर्स वगैरह भी जो है वो इस चीज को सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया। अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज जो है वो दिवाली की ऑर्गेनाइज होती है, ऑफिशियली तौर पर जो है वो छुट्टी का ऐलान पूरी दुनिया के अंदर, मतलब जहां जहां पर हिंदू लोग ज्यादा होते हैं ना वहां उनको जो है वो हॉलीडे जो है वो दे दिया जाता है। और पाकिस्तान पहले तो ना नुकर कर रहा था, अभी पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो दिवाली की जो है वो एक छुट्टी मंजूर हो गई है, आराम से जो है वो लोग अपनी दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी थी, मजेदार किस्म की वीडियो थी, और इतना प्यारा यार सारे इंडिया को इतना प्यारा उन्होंने सजाया, कोई ऐसी गली कोई ऐसा गाँव उन्होंने नहीं छोड़ा जो सजा नहीं दिया हो। और डिफरेंट टाइप की जो लाइट्स थी ना वो लगी हुई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे न्यूयॉर्क के अंदर हम आ गए हैं, इंडिया लग ही नहीं था रहा। इंडिया के अंदर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इंडिया को इसलिए कलरफुल कंट्री बोला जाता है बिकॉज इंडिया के अंदर कोई भी छोटे से छोटा इवेंट फेस्टिवल भी हो ना, उसको इतनी धूमधाम से इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है कि वो खुद ब खुद ही वो इवेंट बड़ा लगना शुरू हो जाता है। और दिवाली तो फिर इतना बड़ा इवेंट है उनके लिए, इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो इसको तो वो और मजीद अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और दिवाली के टाइम पर जो है वो लोग एक दूसरे के घर पार्टीज वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, मैं रात को जो है ना अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी तो इंडिया के अंदर, तो वो मुझे बता रही थी कि हम लोग जो है ना मिठाइयाँ वगैरह ये वो भी मतलब लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इधर भी जाना है टाइम नहीं है, उधर भी जाना है, गिफ्ट्स भी देने हैं, दिवाली पार्टीज भी करनी है, ये वो मतलब सारे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। और ये ऐसे ही होता है जैसे कि मुस्लिम्स जो है वो ईद को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हिंदूज दिवाली को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स जो है वो सोसाइटी के अंदर होते रहते हैं ना, तो लोगों के अंदर जो है ना मतलब एक चीज को सेलिब्रेट करने की चाह भी बहुत फिर होती है, भाई छुट्टी आए जल्दी से सेलिब्रेट करें, छुट्टी आए इसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां घूमेंगे। तो इवेंट यार ये बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, तो ये इवेंट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस टाइम पर आप लोगों को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोला जा रहा है कि दिवाली पे उसको जो है वो रिलीज किया जाए, और आप पता नहीं उसको करते हैं कि नहीं करते, आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।